हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। 12:30 हो रहे हैं। अकुल लेता है बस। मैंने आज ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह से करी क्योंकि रोज का वही रूटीन होता है, कुछ अलग तो था नहीं। और अच्छा 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 कितनी मुझे बार कितनी अकुल खेल रहे हैं। और मैंने ना 2-3 चीजें ऑर्डर करी हुई हैं ऑनलाइन, अगर आज आ जाती है तो मैं आपको दिखाऊंगी और उसका रिव्यू भी दूंगी कैसा है वो। देखो क्या आता है। ऑर्डर तो पहले करा था मैंने, वो डिलीवरी में टाइम लग रहा है क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, बहुत लोग कर रहे होंगे ऑर्डर, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होंगे तो उसमें टाइम लग रहा है। 5-6 दिन हो गए करे हुए। अभी 1 अक्टूबर का दिया है डेट डिलीवरी और एक आज की भी दी हुई है। अगर आज आ जाती है तो मैं आपको आज दिखाऊंगी। और डेली वही है आकर्ष के साथ, तो मैंने कुछ ज़्यादा आज खास ब्लॉगिंग करी नहीं। और आकर्ष और मैं लेटे हुए हैं। आकर्ष अकू गुस्सा बहुत आने लग गया है अब। देख अकू को मैं दिखाऊं? अकू की मैया दिखा लो भाई। और अकू अभी बड़ी तेज हाथ पड़ा। और अकू मैंने फोन का कवर चेंज कर लिया, पकड़ने में नहीं आ रहा, फिसल रहा है हाथ से। और अक्कू का ये पता नहीं कब तक ठीक होगा। कब ठीक होगा अक्कू? है 1 2 3 4। आज आलस आ रहा है बहुत ज्यादा। सुबह सुबह मम्मी आई थी ऊपर, उसके बाद मम्मी से ही बात करते रहे, मम्मी और मैं। मम्मी अपनी पुरानी बातें, बचपन की बातें और मतलब काफी सारी चीजें अपनी शेयर करती है मेरे साथ, बहुत सारी चीजें शेयर करती हैं। थोड़ा उससे पता भी चलता है कि हाँ ऐसा भी होता था पहले, ऐसे भी लोग होते हैं। तो बस वही उसी में 3 घंटे मम्मी ने और मैंने ऐसी बातें करी। तो मम्मी कह रही है मेरी एनर्जी सारी वेस्ट हो गई, आज मैंने मेडिटेशन भी नहीं करा। तो मम्मी चली गई थी 12 बजे नीचे, आधा घंटा हो गया मेरे को। अब ना काम करना है, सफाई करनी है, मन नहीं हो रहा, आलस आ रहा है। करते हैं अपने काम, फिर मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा फटाफट। और दोपहर में कुछ बनाना है, देखते क्या बनाते हैं। आज ये लेट आएंगे इसके पापा, तो ये खा के आए शायद। मैंने बोल दिया है कि जब लेट आते हो तो खा लिया करो खाना। अरे अगर पेट पे नहीं कूदो बेटा। अरे पेट पे नहीं कूदो, देखो ये मेरे पेट पे बैठ गया है। पता है जब हम छोटे छोटे थे ना, मुझे याद है जब मेरी मम्मी थी, आपको मैं पिटाई कर दूंगी, आज मैं आपसे लेटे लेटे बात करूंगी। जब मेरी मम्मी थी ना, तो पता है हम, मैं भी मैंने ऐसे पैर रख लेती थी लेट के, तो मम्मी कहती थी मत रख मेरा पेट दब रहा है। तो मैं कहती थी इतना मोटा था पेट है, तब क्या रहा है इसमें, कितना अच्छा लगता है गुलगुल। मम्मी मेरी थोड़ी हेल्दी थी, मोटी थी, तो पेट था काफी, तो पेट पे रख लेती थी पैर, तो बड़ा मतलब गुलगुल गुलगुल लगता था। हाँ तो ना मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। मम्मी कहती थी अभी खाना खाया पेट दर्द हो जाएगा, हटा ले पैर। मैं कहा मम्मी थोड़ी देर। तो मम्मी कहती थी लग रही है मेरे हद। तो अब मेरे को वो चीज समझ में आती है जब आकाश मेरे पेट में बैठता है, कि जब मैं मम्मी के पेट पे बैठती पैर रखती थी तो मम्मी को कैसा फील होता था। और अब आकाश मेरे पेट पे बैठता है तो मुझे फील होता है कि मम्मी क्यों मना करती थी मुझे। दर्द होता है यार पेट पे। मैं तो सोचती थी मम्मी का पेट मोटा है तो इसलिए मम्मी के दर्द नहीं होता होगा, लेकिन दर्द तो होता है भाई। मेरा पार्सल आ चुका, अब कुर में मैगी खा रहे हैं। भूख लग रही थी तो मैगी बना ली। अब इसको मैं खोलूंगी, इसमें है क्या मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने 2-3 चीजें ऑर्डर करी है, तो खोल के पता लगेगा। यहाँ पर ना मैं अपने पार्सल की ओपनिंग कर रही हूँ। आकर्ष देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही है, और ये इसको मैं निकालूंगी ना तो देखना आकर्ष कैसे करेगा, इसको लगेगा भगवान जी हैं। तो इसमें ना कुछ कुछ हाथी घोड़े बने हुए हैं, जैसे बराट बराट टाइप का कुछ बना हुआ है। तो उसको देखेगा, कहेगा जय हो भगवान जी, पैर छुएगा। मैंने कहा नहीं भगवान जी नहीं है, तो कह रहा नहीं जय हो देखो 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 ना कह रहा है ना। और ये मैंने पायल मंगवाई हुई है, बहुत अच्छी लगी मुझे मीशो पे। मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी करते करते ऐसी ये मेरे को दिख गई, तो मैंने क्यों ना मैं मंगा के देखती हूँ। और करवा चौथ भी आ रहा है, तो मैंने सोचा चल, हमेशा तो अपना मतलब चांदी का गोल्ड चांदी पहनते हैं, लेकिन इस बार कुछ मतलब आर्टिफिशियल पहनते हैं। अगर मम्मी पहने देंगे तो पहन लेंगे, बाकी तो गोल्ड है ही। और अगर करवा चौथ पे नहीं पहना तो दिवाली पे पहन लूँगी। और ये सब चीज़ें वेस्ट तो जाती नहीं, कभी ना कभी काम आ ही जाती हैं। और मेरे पास वैसे भी ना आर्टिफिशियल चीज़ें कम ही हैं,
क्योंकि मैंने कभी पहनी नहीं, लेकिन अब थोड़ा इंस्टा वगैरह चलाती हूँ तो देख के मन भी करता है कि चल एक बार अब मैं अपने लिए ही मंगाऊँ। तो मैं पहन रही हूँ यहाँ पर, पहन के दिखा रही हूँ आपको कि देखो कैसे, अब मैं खुद ट्राई भी कर रही हूँ पहन के कैसा लग रहा है। मेरे को तो अच्छा लगा और पैरों के लिए तो अच्छी लगी मुझे चीज़ ये, और मैं सारी मतलब फिट आई है मेरे पैरों में, बिल्कुल भी ढीली नहीं है। मैं आपने देखा मैंने ऑर्डर खोल लिया अपना, जो मेरा पार्सल आया था उसको खोल के मैंने देख लिया, वो जो मैंने मंगाई थी वो थी पजेब, वो मुझे बहुत सुंदर लगी थी। मैं ऑनलाइन देख रही थी, देखते देखते वो मेरे सामने पड़ गई, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं मंगा के देखती हूँ। ऐसे में नेकलेस भी था, फिर मैंने नहीं मंगाया, मैंने नेकलेस वैसा नहीं मंगाया, दूसरा मंगाया, क्योंकि फिर सेम सेम चीज़ हो जाती, फिर मेरा मन नहीं था। तो नेकलेस भी मंगाया मैंने, वो देखती हूँ वो कैसा आता है। ये तो ठीक आया था, जब आएगा जब आपको दिखाऊंगी। और मैंने रिंग लाइट भी मंगाई है, अगर वो अच्छी आती है और जैसे मैंने सोचा था अगर वैसी आती है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं यहाँ पर साइड में फ़ोटो लगा दूंगी। मैंने पहन के भी देखा आकर्ष, मैंने पहन के भी देखा, मुझे बहुत प्यारी लगी है। अब तक का मीशो के साथ मेरा जो भी मतलब शॉपिंग रही है ना, बेस्ट रही है, मुझे शिकायत नहीं रही उससे। बाकी आगे का देखते हैं। शाम के 6 बज रहे हैं, मैं सो के उठ गए, नुआया अभी अभी, बुला रहे हैं बाहर, देखते हैं क्या। ये नेक्स्ट डे पार्सल आया था, मैंने उस दिन ब्लॉगिंग बस नहीं करी थी, आगे करी नहीं, क्योंकि डेली का वही मैं रोज़ दिखाती हूँ ब्लॉग में। तो आज फिर एक पार्सल आया है, उस दिन पायल आई थी और आज आया नेकलेस। नेकलेस मैंने कुछ अलग मंगाया है, मतलब सिंगल नेकलेस नहीं मंगाया, वैसे मंगाया जैसे रानी हार होता है ना, वैसे मेरे पास था नहीं वो रानी हार। और मेरा मन भी होता है जैसे कई बार लोगों को देखती हूँ पहने हुए, तो मैं भी सोचती हूँ यार, मैंने ट्राई भी किया था दुकान से लेने के लिए, लेकिन मुझे दिखा नहीं गई और मार्केट में इतना जा नहीं पाती। फिर मुझे मीशो पे दिखा तो मैंने कहा चल एक बार मंगा के देखते हैं, और जितना प्राइस था उस हिसाब से ठीक मिल गया मुझे। इसमें दो नेकलेस हैं, एक चोकर कहते हैं जिसे, वो है शायद, मैं शायद गलत नाम ले रही हूँ तो सॉरी उसके लिए, लेकिन शायद वही बोलते हैं। और एक ये रानी हार, और इन दोनों के साथ अलग अलग कान के इयररिंग्स आए थे, तो मैं वो भी पहन के दिखाऊंगी। तो मैं पहन के दिखाने लग गई, मैं कहा चल एक बार देख लेती हूँ पहन के मेरे ऊपर कैसा लगता है। तो ठीक ही लग रहा था, ज़्यादा बुरा भी नहीं लग रहा था। और इसमें एक रिंग आई थी, वो तो मैं कभी पहनूंगी भी नहीं रिंग, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगी रिंग, थोड़ी वैसी थी। और कान के इयररिंग्स थे इसके साथ, तो पहनने में बुरे नहीं है। और नाक की नथ थी, नथ भी ठीक है, एवरेज है, मेरे को मैं तो पहनूंगी नथ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दो नथ रखी हुई है। और नथ इसका इसकी जो नथ आई ना, वो थोड़ा उसका लुक अलग है, तो वो वैसी मुझे अच्छी नहीं, लुक वाइज ना बहुत वैसी है, अजीब सी है, देखना आपको दिखाऊंगी। बहुत लोगों को अच्छी भी लगती होगी, लेकिन मुझे वैसी अच्छी नहीं लगती। तो वैसे यही बहुत है पहनने के लिए, और अच्छा लगा मुझे, ठीक थे इयररिंग्स भी, लेकिन मुझे मेन था ये है रानी हार लेने का, मुझे और सब चीज़ें लेने का मन नहीं था, खाली रानी हार। लेकिन जब सब चीज़ें मिल रही थी तो फिर मैं चलिए यही ऑर्डर कर। ये नथ है, तो देखो शायद बहुत लोगों को पसंद होगी ऐसी नथ, मुझे तो पसंद नहीं है। मैं सो खोल रही हूँ, देख रही हूँ कैसे क्या होगा। तो मैंने पहन के ट्राई भी करी थी, मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने निकाल दी थी, मेरे को अपने ऊपर बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। और ये रहा इसका लुक, और